नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जेपी नड्डा का बिहार आगमन हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच चुका है। ऐसे में भव्य स्वागत जो है जेपी नड्डा का पटना में किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, जेपी नड्डा के काफिले की तस्वीरें जहां पर जेपी नड्डा दिख रहे होंगे। ऐसे में जिस तरीके से आज जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है जेपी नड्डा का, वो दिख रहा होगा आपको। देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर पटना की है। जयप्रकाश नड्डा जो है खुद निकल गए हैं, सम्राट चौधरी खुद निकल गए हैं और ये जगह प्रकाश नड्डा की तस्वीर आपको उठा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जेपी नड्डा का पटना आगमन हो चुका है। खुद काफिले में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा आपको दिख रहे होंगे, गाड़ी से खुद उतर गए थे। ऐसे में तमाम लोगों से नड्डा ने मुलाकात की है। ऐसे में तस्वीर जो है पटना के सड़कों की हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जेपी नड्डा पहुंच गए हैं पटना और भव्य स्वागत जो है जेपी नड्डा का पटना के सड़कों पर किया गया है। जो तमाम बीजेपी की नेत्रियां हैं वो स्वागत कर रही है। ऐसे में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो हैं इस जगह पर शामिल हुए हैं, शिरकत किए हैं। ऐसे में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत जो है पटना के सड़कों पर किया गया है। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से जेपी नड्डा से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनको अभिवादन कर रहे थे जेपी नड्डा। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से जेपी नड्डा का बिहार आगमन हो चुका है। तस्वीरें आपको हमने दिखाया बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष के साथ, सम्राट चौधरी के साथ जो जेपी नड्डा खुद अपने गाड़ी से बाहर निकल गए थे। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा, लेकिन बता दें आपको कि सौमा कैलाशपति मिश्र का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है पटना के बापू सभाघर में। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।